तो आज हम बनाएंगे मिर्ची का अचार। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन करेंगे, उसके बाद हम कोई भी बर्तन लेंगे। मैंने नॉनस्टिक प्रेफर किया है, बट बर्तन पूरा साफ होना चाहिए ताकि अचार बाद में ख़राब ना हो। इसमें हम मसाले डालेंगे। मसाले में जाएगा 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून जीरा साबुत और 1 टेबलस्पून ब्लैक सरसों। आप राई भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा खट्टा करना है अचार को। इन सभी को हम स्लो फ्लेम में अच्छे से रोस्ट करेंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए, और एक क्लीन प्लेट में इसको निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। थोड़ी देर रखेंगे इसको ताकि ठंडा हो जाए, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ सौंफ मेरे से स्किप हो गई थी तो मैंने सौंफ अलग से ही रोस्ट कर ली। इन सभी को अच्छे से हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद हमने सौंफ को भी अलग से निकाल लेना है। और हम इसमें 3 लार्ज स्पून ऑयल भी यूज़ करेंगे, सरसों का ऑयल। वो भी इसको अच्छे से गर्म होने दें कढ़ाई में, और उसमें हल्की सी हींग डाल दें और फ्लेम को बंद कर दें। इसको फिर साइड पर रख देंगे हम। गरम मसाला, आमचून पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बट बाकी चीज़ें 1/2 टीस्पून आप रख सकते हैं। जितनी क्वांटिटी मैंने यूज़ की थी 6 मिर्चेस के लिए। और इन सबको आप मिक्सी में ग्राइंड करना है। आप दरदरा रख सकते हैं, बट मैंने फाइन पेस्ट बना ली थी तो आपको जैसा लगे आप वैसा इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये कि आपके पास जितनी मिर्ची होंगी आपने इसको अच्छे से पेपर टॉवल से अच्छे से पोंछ लेना है ताकि कोई भी गीली ना रहे, फंगस ना लगे बेसिकली इसके अंदर। तो हम इसमें एक एक स्लिट डालेंगे सब में। ये जो हमने मसाला रेडी किया था इसमें हमने 3 टेबलस्पून विनेगर ऐड करना है, वो मैंने रिकॉर्ड करने में बेसिकली भूल गई थी। बाकी जो हमने हमारा मसाला था, इससे हमने जो ऑयल रखा था हमने जिसमें हींग डाली थी, वो भी इसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। और सारा जो मिक्सचर है मिक्स करके हम इसमें मिर्ची में इसको भर देंगे। मिर्ची हो गई है रेडी, और अब इसको आप किसी भी टाइट कंटेनर में डाल सकते हैं। मैंने प्रेफर किया है एक कांच का बर्तन, तो आप उसमें इसको ट्रांसफ़र करें और नेक्स्ट डे धूप लगवाने के बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं।